अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डाइटिशियन हेमन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सौंफ को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, सौंफ के इस्तेमाल से आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। सौंफ का पानी आपने पीना है। सौंफ के पानी से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, जिस जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। ठीक है, आपका वेट मेंस होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सौंफ का पानी बनाना कैसे, इसका तरीका क्या है। इसके लिए आपने क्या करना है कि एक पैन में आपने 1.5 से 2 कप पानी ले लेना है। ठीक है, अब उस पानी में आपने आधा चम्मच जो है मतलब हाफ टेबल स्पून, ठीक है, आधा चम्मच आपने सौंफ का ऐड कर देना है। अब उस पानी को बॉईल करना है, इतना उसको पकाना है कि वो जो है 1 कप रह जाए। ठीक है, हमने 1.5 या 2 कप दिया उसको, वो 1 कप हमने रहने देना है। और जब जब वो 1 कप रह जाए, फिर उसमें आपने जो पुदीने के 3 से 4 पत्ते ऐड कर देने हैं। चूल्हे को बंद कर देना है और उस पानी को ठंडा होने के लिए रख देना है। 5 मिनट के लिए इस पानी को पड़ा रहने दें कि जो पुदीना है उसका असर भी पानी में निकल जाए। ठीक है, और पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पीने काबिल हो जाए। फिर आपने इस पानी को स्ट्रेन कर लेना, छान लेना है, 1 कप में निकाल लेना है। ठीक है, और आप चाहें तो इसमें आप आधा लीमू भी निचोड़ सकते हैं और फिर इस पानी को पी लेना है। अब इस पानी को पीना किस टाइम है? ठीक है, आपने इसको स्नैक टाइम में यूज़ करना है। स्नैक टाइम से मतलब यह है कि आपने जिस तरह सुबह का नाश्ता आपने किया है, नाश्ता फॉर एग्जाम्पल आपने 7-8 बजे कर लिया है, उसके बाद नाश्ते और लंच के दरमियान वाला जो टाइम होता है उसको हम लोग स्नैक टाइम कहते हैं। अगर आपने सुबह 7-8 बजे नाश्ता किया तो आपने 10-11 बजे जो है वो इस ड्रिंक को पीना है, इस पानी का इस्तेमाल जो 10-11 बजे आपने पीना है इसको। इसी तरह जब आपने लंच किया, लंच और डिनर के दरमियान वाला जो टाइम होता है 4-5 बजे वाला, उसमें आपने इस पानी को पी लेना है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा टाइम जो है इसको पीने का वो है रात को डिनर के बाद, रात के खाने से 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपने इस ड्रिंक को पीना है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने इस ड्रिंक को पी लिया है उसके बाद आपने कोई चीज़ भी खानी पीनी नहीं है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहते हैं कि आपका वज़न जल्दी कम हो तो आपने साथ में अपने डाइट का भी ख्याल रखना है। ठीक है, डाइट प्लान को अगर फॉलो करेंगे तो उसके आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप जंक फूड ना खाएं, बाहर का खाना आपने नहीं खाना, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करनी है कि मीठा आपने कम खाना है। ठीक है, या मीठा खाएं ना, अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है मीठे की तो आपने बहुत कम यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आपने एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग और इवनिंग वॉक जो है वो 10-15 मिनट की आप रख लें, वॉक आप करें। ठीक है, तो इसके साथ आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपका जो है 1 मंथ में आप 5 से 6 kg अपना वेट भी कम कर सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। इसके अलावा आपको सौंफ का पानी जो है सुबह नाश्ते से पहले भी पी सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू वगैरह होता है, ठीक है, वो अवॉइड करें कि वो एम्प्टी स्टमक सुबह नाश्ते से पहले ये पानी ना पिए। अगर किसी को कोई इशू वगैरह नहीं होता तो फिर आप लोग जो है वो सुबह नाश्ते से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों का BP लो रहता है या जिनको खून की कमी है, वो लोग अवॉइड करेंगे, वो ये ड्रिंक जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी सब हर कोई जो है वो इस ड्रिंक को पी सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया है, आपने कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और इसी तरह आप इस पानी को का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप इससे अपना वजन कम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।